हेलो गाइस मैं हूं निधि शर्मा और एन सी आर टी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है आज हम क्लास सेवन्थ का हमारा चैप्टर है द इन्वेंशन ऑफ विटावों आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे सो लेट्स स्टार्ट हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो व्हाट आर द ओल्डेस्ट थिंग यू हैव इन योर हाउस इन योर सिटी टाउन और विलेज हाउ ओल्ड आर दे हैव यू एवर विश दैट यू आर ओल्डर हैव यू विश दैट यू कुड ग्रो अप इन ए हरी तो इसमें यही बताया गया है कि तुमने सबसे पुरानी चीज़ तुम्हारे आसपास क्या है कोई गांव कोई शहर या फिर तुम चाहोगे कि तुम एकदम से बूढ़े हो जाओ या फिर जल्दी जल्दी में बढ़ो तो इसमें देखते हैं लेसन में क्या है द इन्वेंशन ऑफ विटावोंक मिस्टर विली वोंग बिगिनस बाई इन्वेंटिंग वों का वाइट विच मेक पीपल यंगर अब जो मिस्टर विली का है उन्होंने एक एक वोंग का वीटा वाइट को इन्वेंट किया है खोजा है जो लोगों को जवान बना देती है बट वोंग का वाइट इज़ टू स्ट्रोंग लेकिन जो वोंग का वाइट है वो काफ़ी स्ट्रोंग है सो सम पीपल डिसअपियर बिकॉज देयर एज बिकम माइनस तो इसमें जो कुछ लोग हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं क्योंकि उनकी जो एज है वो माइनस चली जाती है कम हो जाती है माइनस में वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स माइनस एटी सेवन और एक आदमी तो वो एटी सेवन ईयर्स माइनस में चला गया था विच मीन्स ही इज गॉट टू वेट एटी सेवन ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक तो इसका मतलब पता है क्या है कि उसको ना एटी सेवन ईयर्स तक वेट करना पड़ेगा वापस आने के लिए मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट ए न्यू थिंग अब मिस्टर वोंका को ना को कोई नई चीज़ खोज करने की जरूरत थी मिस्टर वोंका सेड सो वंस अगेन आई रोल अप माई स्लीवस एंड सेट टू वर्क तो मिस्टर वोंका बोलते हैं कि मेरे को ना एक बार फिर से अपनी स्लीवस को ऐसे रोल करना पड़ेगा और काम पे बैठना पड़ेगा वंस अगेन आई स्क्रीज माई ब्रेन दोबारा से फिर मेरे को अपना जो दिमाग है उस पर जोर डालना पड़ेगा सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी कोई नई चीज़ खोज करने के लिए नई इंस्ट्रक्शन करने के लिए आई हैड टू क्रिएट एज टू मेक पीपल ओल्ड ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट हा हा आई क्राइड फॉर द नाउ आइडियाज वर बिगनिंग टू कम तो मेरे को अब कुछ और चीज़ बनानी है जिससे मैं लोगों को थोड़ा और बूढ़ा बूढ़ा और बहुत ओल्ड बना दूँ वो ऐसे ज़ोर से चिल्लाया तो वो कहता है कि मेरे दिमाग में ये आइडिया आने अब स्टार्ट हो चुके हैं वट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड इस संसार में सबसे ओल्डेस्ट चीज़ क्या है वट लिव लॉन्गर एनीथिंग थे और इस संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे लंबे समय तक रहती है अ ट्री चार्ली सेड चार्ली कहता है राइट यू आर चार्ली हाँ चार्ली तुम बिल्कुल ठीक हो बट वट काइंड ऑफ ए ट्री तो वो कैसा ट्री है नॉट द डगलसफिर ना तो वो डगलसफिर है नॉट द ओक ना ही वो ओक का पेड़ है नॉट नॉट द कैडर ना वो कैडर है नो नो बाई बॉय नहीं नहीं मेरे बच्चे इट इज द ट्री कॉल द ब्रिस्टले कॉन पाइन ये जो ब्रिस्टल कॉर्न पाइन पेड़ है ये वो पेड़ है दैट ग्रोज अपन द स्लोप ऑफ व्हीलर पीक इन नेवेडा यूएसए जो कहाँ पे पाया जाता है यूएसए के व्हीलर पीक इन नेवेडा में पाया जाता है यू कैन फाइंड ब्रिस्टल कॉर्न पाइंस ऑन व्हीलर पीक टुडे आज भी जो है तुम ब्रिस्टल पाइन का जो पेड़ है वहाँ पर व्हीलर पीक पे पाओगे दैट आर ओवर फोर थाउजेंड ई ईयर्स है जो लगभग लग चार साल पुराना है दिस इज द फैक्ट और ये तथ्य है चार ये सच भी है आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक और वो कहता है कि तुम किसी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट होते हैं जो पेड़ों की एज बताते हैं कि तुम उससे भी कन्फर्म कर सकते हो कि ये ठीक है या नहीं है सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ वो कहता है कि ठीक है अब मेरे को अपना काम स्टार्ट करने दो जो डॉक्टर विली हैं मिस्टर विली हैं वो बोलते कि ठीक है मेरे को अपना काम करने दो आई जंप इन टू द ग्रेट ग्लास अवेलेट एल्वेटर एंड रश ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग तो फिर वो जो ये ग्रेट ग्लास एवेलेटर है उसको क्रॉस करके जाते हैं और वो पूरा वर्ल्ड घूमते हैं जो सबसे पुरानी चीज़ें हैं उनमें से कुछ स्पेशल आइटम को कलेक्ट करने के लिए तो ये स्पेशल चीज़ें हैं कुछ पुरानी ये जैसे किसी की कोई एग लेके आए हैं किंग ऑफ टोंगा का है द टोन एल क्लीपिंग द पॉइंट ऑफ ए सैफ फ्राम फोर थाउजेंड ईयर्स ओल्ड ब्रिस्टल कौन पाइन से किसी के ये फ्ली लेके आए हैं किसी की टेल लाए हैं कहां से कुछ कहीं से कुछ ये जो सबसे पुराने एनिमल्स है ना जो ओल्डेस्ट एनिमल्स है उनका कुछ बॉडी का वो पार्ट लेके आए हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोंग का वेंट ऑन आई ट्रेस डाउन एवरी ओल्ड एंड एंसियंट एनिमल एंड टू कैन इम्पोर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ दैम तो वो बताते हैं चार्ली को चार्ली पूरे पूरे वर्ल्ड में मिस्टर वोंग का बोलता है कि मैं हर जगह गया और मैंने जो पुराने पुराने एनिमल्स हैं जो बिल्कुल पुराने थे तो मैं उनका एक इम्पोर्टेंट पार्ट लेके आया हूँ कुछ छोटे छोटे से पार्ट जैसे क्या किसी का हेयर ले आए किसी की आईब्रो ले आए तो किसी की इट वॉज नो मोर देन एन ऑन्स और टू ऑफ द जेम्स क्रैफ फ्रॉम बिटवीन इट्स टोज वाइल इट वॉज स्लिपिंग और ये इन्होंने कब लिया जब वो सो रहे थे तो इनका कुछ न कुछ जो है बॉडी का पार्ट ले लिया और उन्होंने उसको इकट्ठा करके रखा हुआ आई ट्रेक डाउन द विसल पिज द बॉबी लिंक द स्कैरो दोलीफ्रोक द जेंट स्टिंगिंग स्टग ये सब उनके नाम है और हाँ उनको एक ऐसा स्नेक भी मिला है हु कैन स्पिट पॉइंजन राइट इन टू देर योर आईज फ्रॉम फिफ्टी यार्ड अवे जो पचास यार्ड की दूरी से भी आपके ऊपर जहर को फेंक सकता है उन्होंने एक ऐसा सांप भी देखा बट देआर नो टाइम टू टेल यू अबाउट दैम ऑल नाउ लेकिन अभी इन सब चीज़ों को बताने का टाइम नहीं है चार्ली मेरे पास कि मैं तुम्हें ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँ लेट मी जस्ट से क्विकली देन इन द एंड आफ्टर लोड्स ऑफ बॉइलिंग बबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग और ये सब इकट्ठा करने के बाद लास्ट में क्या मैंने इन सभी चीज़ों को बॉयल किया इकट्ठा करके बबल्स बनाए मिक्स किया और अब टेस्ट किया है कहाँ पर इन माई इन्वेंटिंग रूम जो मेरा इन्वेंटिंग रूम है मैंने वहाँ पर इन चीज़ों को टेस्ट किया है आई प्रोड्यूस वन टाइनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड और इन्होंने के इनको क्या मिला एक बिल्कुल छोटा सा एक छोटे से कप में जो ब्लैक कलर का लिक्विड है ना वो प्राप्त हुआ इन सब चीजों को उबाल के गिव फोर ड्रॉप ऑफ इट टू ए ब्रेव 20 इयर्स ओल्ड ओमपा लोम्पा वॉलंटियर टू सी व्हाट हैपेंड और चार ड्रॉप ऐसे छिड़काव किया किसके ऊपर किया जो ट्वेंटी इयर्स का है ओमपा लोम्पा है नाम वॉल्टियर जो अपने आप आते हैं ऐसे भाई एक्सपेरिमेंट कर लो तो वो खुद आया था कि देखते हैं क्या होता है तो उसके ऊपर इन्होंने इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया है वट पूछता है फिर क्या हुआ इट वॉज फंटेस्टिक बहुत अच्छा बना क्राइड मिस्टर वोंका मिस्टर वोंका चिल्लाते हैं द मोमेंट ही स्पेल इट और जिस पल उसने इसको निगला है ही बिगेन रिंकलिंग एंड शवरिंग अप ऑल ओवर एंड हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ और जिस टाइम उन्होंने उसको निकला ना चार ड्रॉप उसकी फेस जैसे झुरियाँ आ गई वो काँपने लगा उसके बाल हैं वो गिरने स्टार्ट हो गए उसके दाँत गिरने स्टार्ट हो गए एंड बिफोर आई न्यू इट आई हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फिलऑप सेवेंटी फाइव और वो एकदम से सेवेंटी फाइव साल का बूढ़ा आदमी बन गया एंड दस माई डियर चार्ली माई वोंग इन्वेंटेड इस प्रकार जो चार्ली मेरी विटा विटावोंक जो दवाई है वो मैंने इन्वेंट कर दी है तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय